हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूनिक ओ लेवल वाला आप लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर का ओ लेवल प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक, अब देखिए आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल ओ लेवल का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओ लेवल का पेपर स्टार्ट हो गया, तो हम आप लोगों को डेली 3 बजे ही, जब तक आप लोगों का प्रैक्टिकल ना हो जाता तब तक आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। और 3 बजे तक आप लोग भी बने रहिएगा, अपने भी देखिएगा और आपके दोस्त वगैरह भी, अगर कोई होगा जो प्रैक्टिकल ओ लेवल का देना होगा आईटी का, तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी आप लोग स्टेटस भी लगा लीजिएगा, शेयर जहां जहां पे करना होगा हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आप लोगों को वीडियो आवाज सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रही है ना? अब सही है? ठीक है, अब सही होगी, हमें आशा है कि आप लोगों को सही आ रही होगी। चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज टाइम में थोड़ा लेट हो गया है, कल से आपकी टाइमिंग यही रहेगी, 3 बजे से स्टार्ट होगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, डेली 3 बजे से रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों है सामने पड़ा हुआ है, आज 3 क्वेश्चन है, कल इससे भी ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, देखिए भैया, क्रिएट एंड डिजाइन एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म यूजिंग शेप टेक्स्ट बॉक्स कलर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन टेबल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्या करना, एक आप लोगों को डिजाइन बनाना है एडमिशन इंक्वायरी का। ठीक, एक क्या करना है, एडमिशन बनाना है इंक्वायरी का, जो लिब्रे ऑफिस राइटर पे आपको क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या चीज आपको ऐड करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूजिंग शेप, शेप चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उसके अंदर, कलर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन चाहिए, कलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, टेबल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़े भी होंगे। जी, आवाज सही आ रही है, सभी लोगों को आवाज तो क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। आप लोग जानते भी होंगे, अब हमारे जो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं पूरे का पूरा सब लिब्रे ऑफिस राइटर से होता है। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं क्या लिब्रे ऑफिस। तो ओपन करने का तरीका तो सबको पता होगा, किस तरीके से ओपन होता है, विंडो प्लस आर। तो एक विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद हमारा क्या ओपन होता है, रन ऑप्शन। इस पे सर्च क्या करना है, एस राइटर। क्या सर्च करना है, एस राइटर सर्च करेंगे। एस राइटर सर्च करने के बाद सीधा आपको क्या क्लिक कर देना है, इंटर। ठीक, इंटर क्लिक करते ही आपका क्या ओपन हो जाता है भाई, एस राइटर ओपन हो रहा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एस राइटर ओपन हो गया। अभी हमने आपको क्या क्वेश्चन दिए थे, एक एडमिशन फॉर्म का इंक्वायरी बनाना था, एडमिशन फॉर्म का इंक्वायरी के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, शेप वगैरह सब कुछ ऐड करना है। देखिए, आपको इसी पे हम बताएंगे किस तरीके से आपका एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस कोचिंग का, जो कोचिंग है उस कोचिंग का नाम लिखना है, तो आप क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रा करिए। ठीक, और इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, आप लिखिएगा जो भी आप कोचिंग का या जिससे भी हो, यूनिक कंप्यूटर। ओके ओके, ठीक, आराम से, कोई बात नहीं, क्लासेज, यूनिक कंप्यूटर क्लासेज। बोल्ड कर लीजिएगा, साइज में थोड़ी सी साइज इसकी क्या कर लीजिएगा, बड़ी कर लीजिएगा, जहां तक आप बड़ी कर सकते हैं बड़ी कर लीजिएगा, जो कि अच्छा लगे। ठीक, इसके बाद आप फॉर्मेट पे आइएगा, फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर दीजिएगा। ठीक, फॉर्मेटिंग पे आने के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट हटा दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट, दोबारा एक बार क्या करिए, दोबारा लेके आइए क्या, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लाने के बाद दोबारा नीचे इंसर्ट कराइए, और इसमें क्या लिखना, पता लिखना है। ठीक, इसमें आपको लिखना होगा पता। ठीक, तो लिखते हैं,
प्रयागराज। ठीक, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस देना है, एड्रेस हमने आपको दे दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स वगैरह जो भी इसके नीचे लिखना है आप टोटल क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आपसे बोला था, ठीक, एक क्या क्रिएट करना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है, तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कराते हैं। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कराना, तो आप यहां से क्या कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ठीक, ड्रा करिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा हो गई। कलर चेंज कर लीजिए, जैसा आपको कलर चाहिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले भी, इस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जो कलर चाहिए कलर ले लीजिए, थोड़ा थिंकनेस इसका बढ़ा लीजिए, जितना आपको थिंकनेस चाहिए ओके कर दीजिए। ठीक है, हमें आशा है इतना आप लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दें, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आप लोग इतना बना लेंगे तो। आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, इसके बाद सीधा क्या लिखना है आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर पे, ठीक, तो इंटर करिए, इंटर करने के बाद अगर नीचे आता है तो आपको क्या क्लिक करना है, टैप क्लिक करना है, टैप क्लिक करके हम आ जाएंगे जो लाइन से हमको लिखना है, स्टार्ट करना, उस लाइन में हम क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक, आ गए, ठीक है, अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ठीक, लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी नंबर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हम क्या लिखेंगे, नेम, नेम लिखेंगे, नेम के बाद और नीचे आ जाएंगे फादर नेम, फादर, फादर नेम, क्लास, क्लास, क्लास के बाद एड्रेस डालेंगे, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के बाद नेक्स्ट आपका है ईमेल नंबर, ईमेल नंबर, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे तो हम क्या भरेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद इसको आप साइज थोड़ी सी क्या कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए, और आपको सेव, एक बार सेप में चलिए, फोटो भी इंसर्ट कराना होगा भैया, फोटो भी इंसर्ट कराना है तो आपको कहां चलना पड़ेगा, सेप में, तो सेप कहां से आएगा, इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में चलने के बाद आप किस पे क्लिक करिए, सेप, सेप में बेसिक सेप पे चलिए, बेसिक सेप में चलने के बाद रेक्टेंगल पे, ओके, बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया ही चलना चाहिए बाबू, ठीक, आप लोग बने रहिए, ठीक, शेप में आ गए, शेप में आने के बाद, ठीक, क्या किया हम, एक बेसिक शेप में गए, बेसिक शेप में जाने के बाद हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट कराने के बाद आगे देखिए क्या करना है, अब इस पे दोबारा क्लिक करना है, दोबारा चलना है कहां पे, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे चलने के बाद शेप, शेप के बाद बेसिक शेप और रेक्टेंगल को क्या करेंगे आप,
हटा देंगे, क्लिक करके हटा देना, नहीं तो बार बार क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार सेव क्या करता रहेगा, इंसर्ट होता रहेगा आपके टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, अब आवाज स्लो है ना, तेज तो नहीं ना किसी को सुनाई दे रही है। ठीक, आगे देखिएगा, जो इसके पहले आपने सेव को इंसर्ट कराया है उस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अगर इस पर फोटो इंसर्ट कराने को बोलता है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सीधे आप किस पे चलेंगे, एरिया पे। कहाँ चलना पड़ेगा, एरिया पे जाएंगे। एरिया पे जाने के बाद सीधे किस पे क्लिक करेंगे, इमेज पे। इमेज पे क्लिक कर दिए, आप लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे, अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो आईटी में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बताते प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ। ओ लेवल वाले के साथ जुड़े रहिए, पास होना आपके हाथ में। ठीक, इसके बाद क्या करना, ऐड करना, ऐड पे क्लिक करिए और फोटो जो भी रहेगा आप यहां से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ओपन कर दीजिएगा। ओके करने के बाद सीधा आप क्या करिएगा, इंसर्ट नहीं कराना, अभी स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद स्क्रैच्ड कर दीजिएगा, स्क्रैच्ड करने के बाद सीधा ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका फोटो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा जिसका भी फोटो रहेगा। देखिए फोटो आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये साइज बहुत छोटी छोटी है, तो छोटी है तो इनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप साइज, अभी हमने बड़ी किया है तो तुरंत कहाँ पे चलेंगे, फॉन्ट पे। फॉन्ट साइज से हम क्या करेंगे, साइज को बड़ी कर लेंगे। आपने बड़ी कर लिया, साइज बड़ा हो गया। अब एक चीज और, आप लोग देखे होंगे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे, जो टेस्ट पेपर देते हैं उसके बैकग्राउंड पे कोचिंग का नाम लिखा होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज के बैकग्राउंड पे क्या हो जाए, वाटरमार्क लग जाए, तो क्या करेंगे आप, वही चीज करना है। आगे आना मेनू में, मेनू में कहां पर आएंगे, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आप वाटरमार्क क्लिक करेंगे और क्या लगाना है, आप क्या दें, टेक्स्ट। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है। आप क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखना है, यूनिक कंप्यूटर, यूनिक कंप्यूटर लिखेंगे। और कलर, जैसा आपको कलर चाहिए आप क्या करिए, वैसा कलर को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए बैकग्राउंड के, पेज के बैकग्राउंड पे आपका क्या आ जाएगा, यूनिक कंप्यूटर आपका वाटरमार्क लग जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसका टेंशन ना लीजिए, अभी आज पहला दिन है, अभी तो अच्छा खासा दिन बचा हुआ। आज लेट भी हो गए फिलहाल बारिश की वजह से, कल से लेट भी नहीं होगा आपकी, 3 बजे से क्लास चलेगी, आप जुड़े रहिएगा 3 बजे। ठीक, इस तरीके से आपके पेज के बैकग्राउंड पे क्या लग जाएगा, वाटर मार्क लग जाएगा। हमें आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब आगे भी और भी अगर कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे कोर्स क्या है, तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, कोर्स लिख सकते हैं। ठीक, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब हो गया। ठीक है, उसके बाद स्कूल, क्लास, सब कुछ आपको लिख सकते हैं। ठीक है, जेंडर, ग्रेजुएशन या हाई स्कूल, इंटर क्या कंप्लीट है, वो सब भी आप नीचे लिख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब लिखना है सिग्नेचर, सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक, तो सिग्नेचर के लिए सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो दोबारा आप चलेंगे क्या, टैब दबाएंगे। ठीक, टैब दबाइए या तो इंटर दबाइए, इंटर दबा के आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद आप टैब दबाते रहिए। ठीक, अब यहां पे क्या लिखना है, स्टूडेंट साइन, क्या लिखना है, स्टूडेंट साइन, स्टूडेंट साइन। तो ये टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया, ज्यादा थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 24 है तो इसको 22 में भी नहीं हो रहा, और छोटा कर लीजिए 20 में ना। ठीक, हो गया 16, ज्यादा छोटा हो जा रहा, 18 करिए। 18 करने के बाद थोड़ी सी बैक इसको कर लीजिए, आ जाएगा टेक्स्ट, आ गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार वही चीज करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लाइए, ऊपर से एक लाइन क्लिक कर दीजिए। कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करने के बाद सीधा आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए। ड्रा हो गई भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ही होती है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ड्रा हो गई। अब इस पे क्या करना है आपको, कलर चेंज करना था। ठीक, तो आप क्या करिए, क्लिक किए रहिए इस पे, राइट क्लिक करिए माउस का। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, लाइन पे आ जाएंगे।
लाइन पे आने के बाद आपको कलर कैसा लेना है, ब्लैक। ब्लैक लीजिए, थिंकनेस आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद सीधा क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपकी लाइन बन जाएगी। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को, तो हमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलहाल बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक? तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आप इसी तरीके से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन था, फॉर्म तैयार करना था एक इंक्वायरी एडमिशन का, ठीक, बना लेंगे, जिसमें क्या क्या हमने यूज किया है, सीपी यूज किया है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, कॉलम, कलर का फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरीके का हमने कलर भी यूज कर लिया, टेबल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको ये सब का क्या करना है, यूज करना है। अभी टेबल का यूज इसमें कैसे होगा ये भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको भरना पड़ जाए क्वालिफिकेशन, ठीक, क्या करना हो जाए, क्वालिफिकेशन भरना पड़े तो आप क्या करेंगे, देखिए ठीक, तो लिखेंगे क्या, क्वालिफिकेशन, ठीक है भैया, कर लेंगे क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में क्या होता है ना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो जो रहता है उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे इंसर्ट, ठीक, तो एक में आपका क्या हो जाएगा, टाइटल, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ठीक है, इतने हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दें, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनमें भर सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी है, आप इस तरीके से टेबल इंसर्ट करा के आप फॉर्म को तैयार कर सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म को। समझ गए आप लोग, समझ में आया, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन अबाउट कंप्यूटर जनरेशन, द प्रेजेंटेशन शुड कंटेन 5 slides, ठीक, 1 for each generation, द टेक्स्ट शुड अपियर फ्लाइंग इन वेन सो द रन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है जिसमें क्या करना है, कंप्यूटर का जनरेशन को टाइप करना है, ठीक, और कितने जनरेशन, 5 generation आपको इंसर्ट कराना, कितने जनरेशन, 5 generation, 5 generation आपको लिखना है स्लाइड में, 5 generation की स्लाइड बनाना है, जिसमें हर एक जनरेशन क्या करना चाहिए, फ्लाइंग करनी चाहिए, ठीक, और करने, चलिए देखिए इसके बाद हम इसको आपको बताते हैं किस तरीके से ये होगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, राइटर पे वर्क किया, किस पे किए हैं, राइटर पे। अब हमको किस पे करना पड़ेगा, अपने इंप्रेस पे। तो इंप्रेस ओपन करने का क्या तरीका होता है, एस इंप्रेस, ओपन करने का क्या तरीका है, यस इंप्रेस। तो क्या करना पड़ेगा, वही चीज क्लिक करना है, विंडो प्लस आर, क्या क्लिक करेंगे, विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे। विंडो प्लस आर क्लिक करते दोबारा हमारा क्या ओपन होगा, रन ऑप्शन या रन कमांड, और इसमें सर्च करना भैया, यस इंप्रेस, यस इंप्रेस सर्च करने के बाद सीधा आप किस पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे, ठीक, तो हमारा क्या ओपन हो जाएगा, यस इंप्रेस ओपन हो जाता है। तो ठीक है, आगे देखिएगा, यस इंप्रेस ओपन होने के बाद आपकी स्लाइड्स ओपन हो गई, ठीक है, जिसमें आपको कितनी स्लाइड लेना है, 5 slides लेना है, कितनी स्लाइड भैया लेना है, 5 slides लेना है। पांचों स्लाइड पे क्या करना है, कंप्यूटर के 5 generation के बारे में लिखना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, फ्लाइंग करना है, ठीक, उड़ाना है। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना ना, तो फ्लाइंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जनरेशन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से 5 generation हमको बनाना, ठीक है। तो पहला जनरेशन क्लिक करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
1940 से 1956, ठीक है, देखिएगा, सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इनकी भी कुछ चेंज उंज करना हो तो कर सकते हैं, ठीक, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इधर थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए आप, बोल्ड हो गया। अब आ जाइए इनके बारे में लिखते हैं, ठीक, तो लिखना है तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ब्लड्स लेते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक, चलिए देखिएगा। फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन कंप्यूटर रिल्ड ऑन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक। हमने पहला जनरेशन इधर क्या कर दिया, बना दिए हैं, इसको हटाना है दोबारा, तो दोबारा आप क्या क्लिक करेंगे, बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा क्या, पहला जनरेशन। पहला जनरेशन के बाद अब क्या करना, एक और स्लाइड ऐड करना है, इसमें क्या करना है, एक और स्लाइड ऐड करना है, तो क्लिक करिए, एक और स्लाइड आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, आप क्लिक करना पड़ेगा न्यू स्लाइड पे, ठीक है, कहां पे क्लिक करना है, न्यू स्लाइड पे इंसर्ट करिए, और न्यू स्लाइड आपको दिख रही होगी, न्यू स्लाइड पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप न्यू स्लाइड से कर सकते हैं, स्लाइड न्यू स्लाइड, ठीक। एक और स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है, अब कैसी स्लाइड चाहिए, इस तरीके से जो हमने इसके पहले स्लाइड यूज किया था, ठीक। ये पहला रहा, दूसरा जनरेशन अब करते हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कब से कब तक, 1956 से 1963 तक, ठीक है भैया, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड कर दीजिए इनको भी, आ जाइए अब इनके बारे में बताते हैं, बुलेट्स ले लीजिए और इनके बारे में भी एक पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड ठीक लिख दिया, सेकेंड जनरेशन भी। इसी तरीके से दोबारा स्लाइड पे चलते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं, तीसरी स्लाइड आपकी आ गई है, तो तीसरी स्लाइड में क्या करना है, थर्ड जनरेशन के बारे में लिखना है, तो लिख लीजिए THIRED, लेकिन आपको याद होना चाहिए जनरेशन के बारे में तभी लिख सकते हैं। अगर आपका यही क्वेश्चन पूछ दिया तो अगर पांचों जनरेशन में अगर एक भी दो पॉइंट आपको याद है तब तो ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट आप याद करके ही जाइएगा प्रैक्टिकल में। थर्ड जनरेशन of hmm.
1964 से 1971, ठीक, इनको भी सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिए, ठीक। बोल्ड करने के बाद इसमें भी आप क्या करिए, एक बुलेट्स लगा दीजिए, जिसमें आप थर्ड जनरेशन का भी कुछ कर दीजिए, लिख दीजिएगा द कंप्यूटर कंप्यूटर ओके। तीन जनरेशन लिखा, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में लिखना है। दोबारा आप क्या करिए, न्यू स्लाइड लीजिए और आपको क्या करना है, फोर्थ जनरेशन के बारे में लिखना भी। आप दोबारा आप लेआउट चेंज करिए। लेआउट चेंज करने के बाद क्या कर देना है, दोबारा आपको लिखना है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से कब तक है, प्रेजेंट। हमको लगता है आप लोगों को याद भी होगा जनरेशन के बारे में, ठीक। बहुत मस्त क्लास चलेगी, आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से, ठीक है। दोबारा आप बुलेट्स ले लीजिए। कई लोग हमसे भी पढ़े होंगे, जो लोग हमसे पढ़े होंगे हम खुद जनरेशन के बारे में बता दिए हैं, लिखवाए भी होंगे, तो एकाध पॉइंट दो पॉइंट हमने भी पॉइंट वाइज ही लिखवाया। आप लोग एक दो पॉइंट याद करके ही जाइएगा। जलवा बनाना पड़ता है, ठीक। फोर्थ चार जनरेशन में लिखा गया, एक और बचा, इसको भी आप बना लीजिए। इसी तरीके से क्या करना, न्यू स्लाइड पे लेना है, स्लाइड पे जाना है और न्यू स्लाइड लेना है। न्यू स्लाइड लेने के बाद आपको क्या कर देना है, लेआउट, लेआउट पे आपको कौन सा जनरेशन अब लिखना है, फिफ्थ जनरेशन। तो दोबारा आप क्या करिए, फिफ्थ जनरेशन लिखिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। केवल आप क्या कर लीजिए, प्रेजेंट एंड ठीक सेलेक्ट करिए और बोल्ड कर लीजिए, ठीक है भैया। आगे देखिएगा, अगला तुरंत क्या करिए, इस पर आप दोबारा लगाइए और दोबारा फिफ्थ जनरेशन के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस डिवाइस बेस्ड ऑन एआई,
ठीक, आप लोग इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप फिर पांचों जनरेशन कर लेंगे कि नहीं, न्यू स्लाइड लेना है। न्यू स्लाइड लेने के बाद आपको क्या करना है, लेआउट चेंज करना है। लेआउट चेंज करने के बाद सब में क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था आपने लिख दिया, सेकेंड जनरेशन में आएंगे सेकेंड जनरेशन में लिख सकते हैं, और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसी तरीके से आपको पांच जनरेशन के बारे में क्या करना है, लिखना। में आशा आप लोग कर सकते इतना, अगर इतना कर लेंगे तो अब आइए क्या करते हैं हम लोग, इस पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब स्लाइड उड़ाते हैं, उड़ाने की बात हुई थी ना, तो इसको उड़ाया जाए ये, ठीक। तो क्या करना है देखिएगा ध्यान से, करना क्या होता है, ठीक। तो हम आते हैं, पहले स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आपका कॉर्नर में इधर देखिए बना होगा, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है इधर, ठीक दिख रहा होगा, हमको आशा है कि दिख रहा होगा, ठीक। आप क्या क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करना, आपको किस पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे, ठीक, एनिमेशन पे क्लिक कर दीजिए। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद अब देखिए अभी तक ये क्या है, हाइड है, इधर देखिए अभी तक कुछ शो कर रहा, ऐड करने का ऑप्शन है इस पे, हमको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन अभी ये क्या है, हाइड है। तो इसको शो कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या करना, हमको पहला जनरेशन ओपन करना, फर्स्ट जनरेशन ओपन है, फर्स्ट जनरेशन ओपन के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर दें, अब देखिए तुरंत क्या हुआ, शो होने लगा। आपको हर एक पॉइंट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कार्य होता है, ठीक है। तो ऐड करने का ऑप्शन आया, एनिमेशन लगाना है सर, हाँ एनिमेशन लगाना है शर्मा जी, देखिए ऐड करिए। ऐड करने के बाद देखिए इस पे आ गया, तो हमको क्या करना, फ्लाई इन, फ्लाई इन उड़ाना है, तो फ्लाई इन पे क्लिक करिए, ठीक। तो देखिए उड़ के आ गया, उड़ के आ रहा कि नहीं, उड़ के आ रहा, क्लिक करिए, ठीक। अलग अलग तरीके के एनिमेशन होते हैं, तो हमको फ्लाई इन लगाना है, तो फ्लाई इन लगाइए। और उसके बाद देखिए स्पीड इसकी बहुत तेज है भाई, इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है, तो इसकी स्पीड स्लो करना पड़ेगा ना आपको। तो स्लो करने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे, ठीक, स्लो करने के लिए नीचे आइए। ड्यूरेशन आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए इसकी, ज्यादा होता जा, ठीक। अब एक बार प्ले करके देखिए, ठीक है, एक बार प्ले करिए, स्लो आ रहा, ठीक, ठीक स्लो हुआ, कुछ स्लो हुआ आपको कि नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा, फ्लाई होके आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका चाहेंगे कलर चेंज करना, तो अभी हमने क्या बताया आपको, कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप इसको दोबारा क्या करिए, सेलेक्ट करिए पूरा एनिमेशन को, जो भी आपने इस पे लिखा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहां पर आ जाना है, टेक्स्ट वाले पे, स्टाइल पे क्लिक करिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरीके का देखिए इधर आपका दिया है, तो आपको क्लिक किस पे करना है, ठीक, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो भी करना प्रॉपर्टीज पे। और दोबारा फिर क्या करना है, आपको एनिमेशन ओपन करना है, तो दोबारा आप एनिमेशन पे क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। अभी हमने इस पे क्या कर दिया है, ऐड किए हैं, यहाँ पे आपका क्या करेगा, शो करेगा, बताएगा कि आप क्या किए हैं, एनिमेशन आल पे फ्लाई लगाना, हाँ आल पे लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या करना है, सब पे फ्लाइंग करवाना है, तो भाई सब पे करवाना। आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप फ्लाइंग नहीं चाहते, कुछ और भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ और एनिमेशन डाल सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग दिया तो आप फ्लाइंग ही लगाइए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, पहला हुआ, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा, ठीक, दूसरे पे क्लिक करिए, ठीक, समझ गए भैया शर्मा जी, समझ में आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप क्या करना है, आपको क्लिक करना ऐड पे, ऐड के बाद दोबारा फ्लाइंग पे करिए, ठीक। फ्लाइंग है, अलग अलग तरीके का देखिए आपका बन रहा है, जो भी आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वही क्या करेगा, ये शो होगा, ठीक है। एक बार आप क्या करना, एक बार आपको करना ये है,
ठीक, आप इस पे क्लिक करिए स्लाइड शो, और F5 जब कर देंगे तो ये क्या करेगा, फुल स्क्रीन में आपका शो होने लगेगा। देखिए सेकेंड जनरेशन हुआ, ठीक है, ठीक। देखिएगा अभी का, अभी तो नाइस क्लास अभी बाकी है, अभी आज फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास इससे भी अच्छी होगी भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो लोग नए जुड़े होंगे, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ जिनका जिनका प्रैक्टिकल होगा, ठीक। आगे देखिए, दूसरे में भी लग गया, तीसरे में लगाना, तीसरे को सिलेक्ट करिए, ठीक। तीसरे को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा ऐड पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करने के बाद दोबारा थर्ड पे भी आप इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक। फोर्थ पे क्लिक करिए, और फोर्थ पे भी क्या करिए, सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप फोर्थ पे पर लगा सकते हैं, फ्लाइंग वाला ही लगा दीजिए जो भी आपको लगाना है। फिफ्थ पर भी, ठीक, फिफ्थ पे सिलेक्ट करिए, और फिफ्थ पर भी आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए फ्लाइंग, ठीक। सबकी क्या करिए, आप टाइमिंग कम कर दीजिए, सबकी जो भी है टाइम, आप सबकी टाइम को, ठीक, कम कर लीजिएगा टाइम, ठीक, आराम से चले, उड़ना नहीं है कहीं। ओनली टू क्वेश्चन करना होगा सर, हाँ दो क्वेश्चन, ठीक, ये भी आराम से चला। थर्ड जनरेशन भी आप सही कर लीजिए, ठीक, हो गए। होने के बाद अब क्या करना, आपको प्ले करना है, पांचों जनरेशन आपका हो चुका है, ठीक है। पांचों जनरेशन के बाद अब आपको प्ले करना है, चलाना है, देखना है पांचों पे लगी है स्लाइड या नहीं लगी। इसको देखने के लिए दोबारा किस पे चलें, स्लाइड, ठीक। स्लाइड पे चलने के बाद आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट करिए कंट्रोल ए, कंट्रोल ए सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दीजिए, स्लाइड शो या F5, ठीक। इस तरीके से देखिए आपका क्या हो रहा, चल रहा है सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, एक बार और दबा दीजिएगा, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलो प्रिंस सर, चलेंगी सब क्लासेस चलेंगी जो भी है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, अगर दूसरा भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आपको हमने इसमें क्या बताया कि किस तरीके से स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड में एनिमेशन किस तरीके से लगाते हैं, ठीक। टोटल आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उसी तरीके से हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा इसीलिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं आता तो कर देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिएट करना है, क्या चीज क्रिएट करना है, वही चीज दोबारा बोला, क्रिएट बिजनेस कार्ड यूजिंग शेप टेक्स्ट एंड कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या करना है, क्रिएट करना है क्या चीज, एक बिजनेस कार्ड, एक बिजनेस कार्ड बनाना है जिसमें यूज करना है क्या क्या, शेप टेक्स्ट एंड कलर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर्स में, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहले दोबारा आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, वही चीज जो पहला क्वेश्चन में था, राइटर, ठीक है। तो राइटर ओपन करना है तो क्या चीज करेंगे, विंडो प्लस आर, क्या क्लिक करना है, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे, विंडो प्लस आर, और इसमें क्या सर्च कर देंगे भैया लोग, एस राइटर, क्या सर्च करना है, यस राइटर, ठीक। एस राइटर क्लिक करिए और इंटर क्लिक कर दीजिए, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, एस राइटर ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया कि नहीं होगा, हो गया। अब इसी में आपको बनाना है, क्या क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक शेप इंसर्ट कराना है, शेप इंसर्ट कराने के बाद टेक्स्ट उसमें करना है, टेक्स्ट के बाद उसके अंदर कलर भरना है,
उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस कार्ड तैयार हो जाएगा। तो चलिए तैयार करते हैं हम लोग भी। ठीक, ओपन हो गया, इन सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो इंसर्ट कराते हैं एक शेप, शेप पे इंसर्ट करते हैं और कहां पे चलते हैं, शेप पे। शेप पे चलने के बाद बेसिक शेप, बेसिक शेप के बाद हमको क्या लेना है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे क्या कर दें, ड्रा कर दें। देखिए हमारा रेक्टेंगल क्या हो गया, ड्रा हो गया कि नहीं हो गया। ड्रा होने के बाद दोबारा आप क्लिक करिए राइट। ठीक सर, फर्स्ट बार ऑनलाइन। अरे शर्मा जी, सब कुछ होगा, बस जितने दिन मैराथन रहे आप उतने दिन लगातार साथ बने रहिएगा, हमारी जिम्मेदारी है, आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, राइट क्लिक, उसके बाद एरिया, एरिया क्लिक के बाद आप नन पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। देखिए बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोबारा राइट क्लिक करिए, ठीक, इनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ठीक, लाइन, लाइन के बाद तुरंत ब्लैक कलर कर दीजिए और थोड़ा सा थिंकनेस इसका बढ़ा के ओके कर दीजिए। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना, एक कोई लोगो इंसर्ट कराना है। लोगो इंसर्ट कराने के बाद बस लास्ट, ठीक, इंसर्ट करें, दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं, शेप और कोई सिंबल वाला एक लोगो ले लेते हैं। ठीक, यही ले लिया जाए। इंसर्ट, शेप और एक कोई ले लीजिए यहां से, जो भी आपको लेना है। ठीक, इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद आपको क्या करना, इसका कलर वगैरह आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए, चेंज करना हो तो। ठीक, चेंज वगैरह कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद तुरंत एरिया पे क्लिक करिए और इंसर्ट करा लीजिए। ठीक, अब दोबारा क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए और टेक्स्ट बॉक्स को क्या करिए, इंसर्ट कराइए। इंसर्ट कराने के बाद इस पे आप क्या लिखिए, नाम वगैरह जो भी है, यूनिक कंप्यूटर। साइज वगैरह आप यहां से क्या करेंगे, बोल्ड और साइज में भी बढ़ा लीजिए। ठीक, साइज भी बढ़ गई। अब दोबारा आप इनको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इनकी साइज छोड़ा छोटी कर दीजिए आप। ठीक, हो गया। इसके बाद दोबारा आप क्या करिए, इंसर्ट कराइए क्या, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराइए और पता लिख दीजिए। ठीक, पता लिख सकते हैं, वही चीज है, यूनिक ठीक है, बैकग्राउंड कलर करना तो आप दोबारा इनको सेलेक्ट करिए। ठीक है, और राइट क्लिक, एरिया, एरिया के बाद कलर, कोई भी आप इसमें कलर क्या करिए, फिल करवा दीजिए, या तो ग्रेडियंट कोई सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेडियंट लगा दीजिए और अच्छा लगेगा, ओके कर लीजिए। ठीक, हो गया। इसके बाद इसमें और भी आप कोई भी कोर्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा के, जो भी कोर्स हो, एडीसी, डीसी वगैरह जो भी कोर्स हो, आप क्या करेंगे, इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को ये तीनों
क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद मुलाकात होगी अगले दिन, ठीक। और थोड़ी देर बाद आपकी वेब की क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग दोबारा वेब की क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और दोबारा कल आपकी क्लास 3 बजे से चालू होगी। फिर मुलाकात होगी अगले दिन। जय हिंद।